खूबसूरत गैर जिम्मेवार पति से बदसूरत जिम्मेवार पति अच्छा होता है। तेरी बहन की शादी कैसी रही? कांता जी ने अपनी बहू चांदी से पूछा। मैं तो जा ही नहीं पाई, क्या करूं, एंड टाइम पर इनकी तबीयत खराब हो गई, पापा जी की तरफ इशारा करते हुए बोली। हाँ मम्मी जी, सब अच्छे से हो गया, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर बैठकर बातें करूँगी, कहकर चांदनी अपने कमरे में चली गई। शाम को जब चांदनी चाय लेकर मम्मी जी के कमरे में गई तो देखा नवीन, चांदनी का पति, मम्मी जी को शादी की फोटो दिखा रहा था। कांता जी ने चांदनी को देखते ही कहा, ये कैसा लड़का ढूंढा है तेरे पापा ने, ना शक्ल है ना सूरत, तेरी बहन के सामने तो कुछ भी नहीं है। तभी नवीन मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे पैसा है ना, और मेरे ससुर जी को तो पैसों के अलावा कुछ दिखते ही कहाँ है। चांदनी बोली, नहीं इतना बुरा भी नहीं है, और फिर अच्छी नौकरी भी है। कांता जी बातों को जोड़ देते हुए बोली, तो फिर सीधे कहो ना, तेरे पापा पैसे पड़ गए हैं। अब चांदनी को गुस्सा आ गया, बोली, हाँ मेरे पापा ने उसके पैसे देखकर ही शादी की है, कम से कम उन्हें ये चिंता तो नहीं होगी कि बेटी का खर्च कैसे चलेगा। कह तो ऐसे रही हो जैसे तेरा खर्चा वही उठा रहे हैं, इतने बड़े घर की बहू हो फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है। नौकरी कर लेने से भी तेरे बहन का ससुराल मेरे घर जैसा रईस और रुतवे वाला नहीं हो जाएगा, नवीन गुस्से में बोला। मानती हूँ मेरा खर्च मेरे पापा नहीं उठा रहे, पर आप भी नहीं कर रहे, कभी पापा के पास कभी भैया के पास हाथ फैलाते हैं, चांदनी ने भी गुस्से में जवाब दिया। तो इतना हाय तोबा क्यों मचा रही हो, अगर भाई और पापा से पैसे लेता है तो कौन सा पहाड़ टूट गया, इसकी भी नौकरी हो जाएगी तो अपने खर्चे खुद उठाएगा, कांता बोली। मम्मी जी आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो पापा और भाई से पॉकेट मनी लेगा, और रही बात नौकरी को तो दसों नौकरी छोड़ चुका है, 36 साल की उम्र तक जिसे यह नहीं पता कि जिंदगी चलाने के लिए क्या करना है वो आगे क्या करेगा, चांदनी बोली। मैं कहीं से भी पैसे लाऊं तुम्हें तो कोई कमी नहीं रखता हूं, नवीन बोला। कमी की बात नहीं है, पर ये सोचो नवीन, कल को पापा नहीं रहेंगे, भैया ने भी हाथ खींच लिया, तब तुम क्या करोगे, ऐसे ही हवाई किले बनाते रहोगे? मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, मेरे भैया बहुत पैसे वाला है, मैं बहुत रईस खानदान से हूँ, ये बातें जो तुम सबको सुनाते रहते हो, पर तुम्हारी खुद की औकात क्या है, काम तुम नहीं करते हो पर झेलना मुझे पड़ता है, दिन रात काम करती हूँ फिर भी सुनना पड़ता है। खैर छोड़ो, मुझे खुशी है कि मेरी बहन ने मेरी हालत देखकर सही फैसला लिया, वो समझ गई है खूबसूरत गैर जिम्मेदार इंसान से बदसूरत जिम्मेदार इंसान अच्छा होता है, कहकर चांदनी चली गई। इधर कांता और नवीन एक दूसरे को चेहरा देखते रह गए। बहुत गुरूर भरा था माँ बेटे में रईस खानदान होने का, पर गुस्से में ही सही चांदनी ने माँ बेटे को अच्छी नसीहत दे डाली। नवीन बोला, माँ चांदनी सही कहती है, मेरी औकात क्या है, पर अब मैं भी काम करूँगा ताकि मेरी भी अलग पहचान हो। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।